press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत अच्छी तरीके से पूजन हुआ और अब जो शुभ एक फल होता है हिंदू धर्म के अनुसार नारियल, जिसके जिसके इस मंच पर जो अभी हमारे प्यारे भाई कुणाल जी हैं उनके हाथों से, शुभ हाथों से ये नारियल फोड़कर हम स्वागत करेंगे। सभी लोग एक साथ गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बहुत बहुत स्वागत है मनोज बाबू, आप मेरा मन गद गद। क्या बात है भैया, और भाई ना ऐसे कहीं चल सकता है कसम, कैसे क्या कहा अपने पंकज जी का। और अब मैडम इधर देखिए, इस मंच के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इस महफिल के चुके हैं, माही जी आ चुकी हैं, पंकज जी आ चुके हैं। और अब मैं हमारे अगले जो निर्माता टीम के जो मेंबर हैं और जो बहुत ही अच्छे निर्माता हैं, श्रीमान रोहित गांगुली जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, गिव अ बिग हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए रोहित गांगुली जी के लिए। अपने स्माइली फेस के साथ आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनको भी पत्नी बहुत मानती है, नहीं आप समझ गए होंगे, शादी नहीं हुई है, मतलब ऐसा आप अच्छा नहीं तो खुश नसीब है ना, अच्छी बात है, यही तो मेरी खुशी का स्माइल का दराज है। अच्छा यही यार, तभी मैं सोचूं कि ये आदमी हंस क्यों रहे हैं, ये आदमी शादी के बाद जल्दी हंसते नहीं। और मैं चाहूंगा कि हमारे इसके बाद उपेंद्र शर्मा जी, उपेंद्र शर्मा जी आपकी उपस्थिति भी हमारे लिए अनिवार्य है और आप इस मंच पर उपस्थित हो। राजेश त्रिपाठी महोदय और साथ ही साथ सुमन चौबे जी आप भी मंच पर आ जाएं। और साथ ही साथ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर महोदय धनंजय मिश्रा जी, प्लीज आपका भी हमें यहाँ पर आगमन अच्छा लगेगा, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए धनंजय मिश्रा जी के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं कि फिल्मी जगत के वो सारे सितारे जो हमेशा भोजपुरी फिल्म को एक ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, वो इस मंच पर आ चुके हैं और यहाँ से पुष्प गुच्छ देकर हम स्वागत इनका करेंगे। और इसके बाद फिर हमारे ओम प्रकाश जी के लिए प्लीज वेलकम। और हम सब के जाने पहचाने अजय अजनबी जी, प्लीज आप भी मंच पर आ जाएं, कहने के लिए अजनबी है लेकिन सब इन्हें पहचानते हैं, इनके काम को जानते हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और जो हमारे बनारस की धरती से आए हुए हैं गुरु जी, प्लीज आप भी मंच पर आ जाएं, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और अब हम इन्हें शाइना जी, यहाँ से हम आप सभी को जो आप अपना कीमती समय निकालकर इस मंच पर उपस्थित हुए हैं,
साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा सीमा जी, सीमा सिंह जी, प्लीज आप ही मंच पे आ जाएं। कानूदा प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। मशहूर जो हस्ती है, जो मशहूर हस्तियां हैं इस मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं, हो चुके हैं, और अब हम निवेदन करेंगे कि इन्हें सम्मानित जो पुष्प गुच्छ देकर करेंगे हमारे लीजेंड एक्टर श्रीमान कुणाल सिंह जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। और इन्हें भोजपुरी जगत का हम भीष्म पितामह भी कहते हैं, तो एक बार इन्होंने जो भोजपुरी जगत में लंबी पारी खेली है उनके लिए तो फिर से तालियां, फिर से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुणाल सिंह जी को तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और था उसमें भीष्म पितामह का किरदार मुकेश खन्ना साहब ने निभाया था, और भोजपुरी जगत के भीष्म पितामह आप हैं, तो अगर मुकेश खन्ना साहब इन्हें बोलते तो कैसे बोलते। मैं छोटी सी बातें इसके बाद सर आपको, आप सर को सुनेंगे। भीष्म पितामह बोलते, देखो अर्जुन आज के इस महफिल में मैं भीष्म पितामह नहीं हूँ, आज के भीष्म पितामह है कुणाल सिंह जी, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे भीष्म पितामह बनने का कोई शौक नहीं, और किसी भी कलाकार ने जिस रूप में संवाद बोले हैं अगर उसको दूसरा कलाकार किसी और अंदाज में बोलता है तो उसको मिमिक्री कहते हैं, इसलिए मैं उनके सम्मान में ऐसी गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ। सब लोग यहाँ आए ये मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ये पूरा परिवार है, और इस परिवार की शक्ति से हम बहुत कुछ करेंगे। ये कहना कोई अपनी तारीफ नहीं है, लेकिन बहुत जद्दोजहद और लड़ाई करके भोजपुरी सिनेमा को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में मैं भी एक छोटा सिपाही बन के लड़ाई लड़ा हूं, और जब भोजपुरी की ऊंचाई को देखता हूं तो ठीक मैं अपने आप को उस किसान की तरह पाता हूं जो खेत की मेड़ पर बैठकर, जिसने कभी पत्थर चुन के उस बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया हुआ जब लहलहाता फसल वहां देखता हूं तो उतनी ही खुशी होती है जितना आज भोजपुरी इंडस्ट्री की सूचाई को देखता हूं। मैं माँ पीतम्बरा फिल्म्स के दो नौजवान रोहित जी और पंकज जी को दिल से आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं, बहुत बड़ा सपना लेके ये आए हैं, और इनके जज्बात को मैं इस शेर में बोलना चाहूंगा कि दिल में अभी आग बाकी है, बहुत कुछ करने का अरमान अभी बाकी है, हमने तो अभी नापी है मुट्ठी भर जमीन, मेरे लिए तो सारा आसमां भी बाकी है। तो इन दो नौजवानों की आंखों में वही ख्वाब देखता हूं इस फिल्म में, और उसको यही शिक्षा देता हूं कि बहुत मेहनत लगाना, चूंकि जनता के दिल में जगह बिठाना इतना आसान नहीं होता। मैंने अपने 37 वर्ष के भोजपुरी सिनेमा के कैरियर में बहुत लोगों को आते और बहुत लोगों को जाते हुए देखा है। मेहनत करना, व्यवहार अच्छा बनाना, बनाए रखना, जमीन पर अपने पैर को हमेशा रखना, ईश्वर तुम्हें बहुत सफलता देंगे। मैं दिल से बेटे को आशीर्वाद,
और मैं आशीर्वाद के साथ शुभकामना देता हूं उनके साथी कलाकारों को। सीमा जी हैं यहाँ, अजय जी बहुत अच्छे गायक, धनंजय बाबू संगीत इस फिल्म की खूबसूरती जान डाल देंगे, बहुत सारे और माही हीरोइन तनुश्री शायद कहीं शूटिंग कर रहे नहीं आ पाई है, तिलोकी जी कैमरामैन, नागेंद्र आर्ट डिपार्टमेंट, बीरेंद्र, ये सारे तमाम तकनीशियनों को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग एक परिवार की तरह बनके पंकज रोहित आप सब मिलके इस फिल्म को सफल बनाइए, अच्छी फिल्म बनाइए, परिवार को लाइए जो आज भोजपुरी सिनेमा में हमारी घर की माँ बहने, जब मैं नायक था गंगा किनारे मोरा गांव दुल्हा गंगा पार के 75 हफ्ते फिल्में चलती थी और वो सिर्फ महिलाएं देखती थी, हमें फिर से वही दौर लाना होगा तभी इस भोजपुरी की जिंदगी बचेगी और हम भोजपुरी को लाने लायक हैं। बड़े निर्माता भी आशीर्वाद देने आए हैं राहुल जी, संजय पटियाला चिंगारी है, तूफान है, उसके बारे में कुछ बोला जाए बहुत कम है तो बहुत वक्त नहीं लूंगा। दिल से आशीर्वाद देते हुए बस इतना ही कहूंगा कि चंद हमारे सम्मानीय निर्देशक हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के यहाँ आए हैं, उमर खान साहब हैं, दूसरे प्रोड्यूसर मनोज जी हैं, बहुत सारे ऐसे गुणी टैलेंटेड लोग हैं जो दिल में एक तूफान लेके भोजपुरी के को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने टीम में कहीं छोटी सी जगह मुझे भी दीजिएगा, साथ रह के कुछ अच्छा करना चाहता हूं। इस फिल्म के जी और आप जगदीश शर्मा जी जोरदार ताली हो, आकाश यादव जी का और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ एक बार फिर से जगदीश जी स्वागत करेंगे हमारे प्यारे भाई पंकज चौबे जी का, जो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक तो हैं ही साथ ही साथ अच्छे एक्टर भी, और जैसा कि मैंने आपसे बताया था इसका इन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया, दो दो हीरोइन के साथ हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम हैं बनारस के भैया,
प्रोपराइटर भी दो शब्द इन बच्चों को आशीर्वाद के लिए बोले। मैंने शुरुआत तो कुणाल जी से ही की थी और जब पहली पिक्चर की तो इनका आशीर्वाद मिला था हमें और आज करते करते 125 पिक्चर की लगभग है और इनके आशीर्वाद के कारण ही जो है भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे और हम लोग और अच्छे से अच्छा है ना करते रहे प्रदर्शन करते रहे। किरदार एक पढ़ा लिखा लड़का डॉक्टर गांव में आता है और गांव को संवारने की कोशिश करता है और यहां जो पॉलिटिक्स है चाहे वो कास्ट की हो चाहे वो आशाओं की हो आकांक्षाओं की हो या जो वहां के ठेकेदार धर्म के हों या किसी के वो उसको कुचलना चाहते हैं। किस तरह ये लड़का लड़ता है अपने साथियों के साथ और जीतता है कहानी इसकी है। जी हम हैं बनारस के भैया के ये एक राज है जो मुझे भी इसके बारे में अभी पता चल रहा है मुझे जानकारी नहीं थी। ये पंकज जी हैं ये इनका खेल है निराला खेल है इनका इसके बारे में बेहतर वो बताएंगे आप। जी हाँ वो पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई है फिल्म हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको प्रदर्शित करें। नारी सशक्तिकरण पर है कहानी आज औरत करने से कंधा मिला के नहीं आगे ही बढ़ गई है और अच्छी बात है उसी चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फिल्म में। जी अच्छा क्योंकि इससे पहले हमने तेरे जैसे यार का किया था बिल्कुल वो मेरे ऑपोजिट नहीं थी लेकिन सेट पे थे हम एक साथ काम करने का तरीका अच्छा है सलीका अच्छा है और खूबसूरत तो है ही अभिनेत्री भी अच्छी है। चोर मचाए शोर अभी हम करने वाले हैं उसकी और उसकी भी ऑलमोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट है उम्मीद कर रहे हैं कि ईद में रिलीज़ करते हैं फिल्म को देखा जाए। मौजी पटनिया भी बन के तैयार है इसके अलावा ये फिल्म है 24 या 25 को हम एक और मुहूर्त करेंगे तो आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की ज़रूरत है। तैयारी प्रिपरेशन नहीं लेकिन मैं शायद होली नहीं मना पाऊँ क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा हूँ लेकिन अपने सभी भाई बंधुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग खेलें और ज़िंदगी में इतने रंग भरें आप अपने खुशियों के रंग आज़ादी के रंग कि आपको मज़ा आए और भांग से थोड़ा दूर रहिएगा इस बार लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहूँगी जो जितने भी मेरे दर्शकों हैं उन सबको माही की तरफ से नमस्कार और जो भी हूँ आप लोग के प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आज जो फिल्म आपकी आपकी किस तरह का एक्चुअली मुझे नहीं बताया गया है कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं उनके साथ एक्चुअली। तो माही कुछ और प्रिपरेशन होगी इसके लिए वो नहीं। अच्छा माही और कौन कौन सी फिल्में हैं इसके अलावा जो आपकी आने वाली हैं? अभी गदर 2 आने वाली है शायद आई थिंक होली पे आने वाली है। तो गदर 2 के बारे में भी कुछ बताएंगे कि वो भी सस्पेंस रहेगा? नहीं अभी तो नहीं बताऊँगी। अच्छा होली के लिए कोई है प्लानिंग भाई आपकी? नहीं अभी तो नथिंग। पूजा के साथ होली खेलना पसंद करेंगी? अरे हाँ बिल्कुल। शुभकामनाएं दे दीजिए देशवासियों को। हाँ आप सभी को शुभकामनाएं अपने नाम के साथ। क्या अपने नाम के साथ? माही खान की तरफ से मतलब अभी मेरी मूवी आई थी राधा 2 जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था उसकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को होली का। थैंक यू सो मच। देखिए ये फिल्म मैं इन दो नौजवान पंकज और रोहित को के जज्बात को सलाम करता हूँ।
और मुझे लगता है कि ये सचमुच भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लड़नी होगी इनको मौजूदा व्यवस्था से, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में खुद लड़ा हूँ, तो मैं इन दो नौजवान बच्चों को की हौसला अफजाई करता हूँ, ज़रूर लड़िए। और हम हैं बनारस के भैया, पूरी तरह बनारस शहर की पृष्ठभूमि पर आज की समस्या, आज के नौजवानों की समस्या, आज की सामाजिक समस्या को लेकर ये फिल्म बनने जा रही है। उसी तरीके से ये जो पहली फिल्म है, इस फिल्म में भी उन्होंने जो हमारे समाज में बेटी और महिलाओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश है। तो हम ये दो टाइटल से ये ज़रूर दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम समाज से जुड़े हुए उनकी समस्याओं को लेकर ही फिल्म बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आई लव यू डार्लिंग ऐसी कोई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं। और वैसी फिल्में भी बहुत मनोरंजक हो सकती हैं। ज़िंदगी में हर इंसान के उतार चढ़ाव रहता है, लड़ाई रहती है, और समस्याएँ तो बदली नहीं हैं। 50 साल पहले भी भ्रूण हत्या था, दहेज व्यवस्था थी, राजनीतिक दबंगई थी, बेरोजगारी थी, अमीरी गरीबी की लड़ाई थी, लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से हम इन समस्याओं को देखते हैं, इन दोनों फिल्मों में उसी रूप से, उसी रफ्तार से फिल्मों का संदेश दिया जाएगा। तो क्या दोनों फिल्मों में एक एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सोशल मैसेज भी देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सिनेमा हर सिनेमा वाले का ये धर्म और कर्तव्य होता है कि मनोरंजन के साथ साथ समाज को वो कुछ दे, समाज को वो बताए। वैसे तो सब लोग जानते हैं अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, लेकिन एक संदेश देना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, इसलिए हम हर फिल्मों के ज़रिए एक संदेश देंगे। देखिए, इस फिल्म के निर्माता पंकज और रोहित, इन दोनों को दिल से आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि जब ये दोनों मुझसे पहली बार मिले तो मैंने इनके दिल में एक तूफान देखा, कुछ अच्छा करने का एक जज्बात देखा। तो मैंने सोचा कि इस दो नौजवान को मदद करनी चाहिए, ये एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं। और ये सच है कि आज हमारे घर की माँ बहनें हमारे सिनेमा से दूर हो गए हैं, तो इन दोनों नौजवानों का यह प्रयास है कि बेशक हम चांद पर चले जाएं, लेकिन हम अपने रीति रिवाज और संस्कार को नहीं भूलें। तो ये दोनों नौजवान जो हैं, ये पंकज, यही सपना लेके ये बच्चे काम कर रहे थे, और मुझे लगा कि नहीं, जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ उस लड़ाई के ये नौजवान सिपाही हैं, इसलिए इनकी मदद करनी चाहिए। और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, और सिर्फ कहने के लिए पारिवारिक फिल्म नहीं है ये, ये सचमुच 8 वर्ष की उम्र से लेके 80 साल की दादी के साथ भी ये फिल्म देखी जा सकती है, लेकिन पूरी तरह मनोरंजक। हम कोई भाषण नहीं देने जा रहे हैं इस फिल्म में, एक मौजूदा एक रफ्तार के साथ परिस्थिति में फिल्म बनाते हुए एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनने जा रही है। सर, क्या मैसेज जाएगा इस फिल्म के जरिए, इस फिल्म की कहानी किस तरह की? देखिए, बेटी महिलाएं, ये जो आज हमारा समाज इनको तिरस्कार कर रहा है, वो सचमुच अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं और हम देवी की पूजा करते हैं, तो इनका महत्व हमारी ज़िंदगी में है। तो ये बच्ची के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण की फिल्म है, और एक काफ़ी समस्याएं जो आज हमारे समाज में हैं, उसके लिए दो नौजवान लड़के कैसे लड़ाई लड़ते हैं और समाज को बदलने का प्रयास करते हैं, इस फिल्म में ये संदेश दिया जाए। तमाम भोजपुरिया लोगन के हम होली के शुभकामना देता नहीं, खूब रंग खेला, खूब अबीर खेला, और हर बार यह कहा शान से कि हम भोजपुरिया हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं फिल्म के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा आपको। पहले तो अपना परिचय दे दूँ, मैं पंकज चौबे बलिया का रहने वाला हूँ, लेकिन असम में पला बड़ा हूँ। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। आज के डेट में जो हो रहा है ना, भोजपुरी हमारी संस्कृति, जहाँ तक मेरे को लगा हमारी संस्कृति खतरे में पड़ी हुई है। आज हम ऐसी पिक्चर नहीं दिखा पा रहे हैं जो हम घर परिवार सबके साथ देख सकें। मेरी ये पहल है, मेरी कोशिश है, और हमारे भीष्म पितामह जी जो हमारे साथ हैं, कुणाल भैया जी, उनको लेके मैं इस फिल्म को कहने के लिए, सामाजिक फिल्म नहीं है, आपको देखने के बाद भी लगेगा कि एक्चुअल में है सामाजिक फिल्म। थोड़ी भी वर्गलिटी इस पिक्चर में आपको कहीं भी दिखाई नहीं जाएगी। आज आप माँ बहन भाई बेटे सब एक साथ बैठ के इस पिक्चर को देख सकते हैं, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे भोजपुरी समाज हैं, यह फिल्म किसी को निराश नहीं करेगी। और मैं सबसे चाहता हूँ कि सब इस फिल्म को आशीर्वाद दें, माँ पीताम्बरा प्रोडक्शन की टीम को सब आशीर्वाद दें, ताकि हम भविष्य में भी इससे भी अच्छी अच्छी पिक्चरें लेके आ सकें और अपनी संस्कृति को हम बचा सकें। जय माँ पीताम्बरा। हैं वो सभी का स्वागत करता हूँ हमारे माँ पीताम्बरा प्रोडक्शंस में। ये एक नई शुरुआत है। अभी तक हमने भोजपुरी फिल्मों में देखा कि जनरली भोजपुरी में होता है, जब हम पूछते हैं कि सर भोजपुरी में जाओगे तो बोलते हैं अरे क्यों जाना यार, क्या करना, क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा। एक अलग ही चीज़ की मतलब लोग एक पारिवारिक उसको नहीं समझ के जा पाते हैं, संकोच करते हैं कि अपने परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, दादा दादी के साथ जाए ना जाए। बट हमारी जो फिल्म है साथ में भैया सजना हमार, इस फिल्म को देखने के लिए आपको कोई झिझक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ, दादा दादियों के साथ, बीवी के साथ जा सकते हैं। और पारिवारिक, पूरी तरह की पारिवारिक मूवी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी अश्लीलता दर्शाया नहीं गया है, और बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं परिवार के साथ। और इसके साथ ही जैसे कि हमने बताया, अनाउंस किया, हमारी अगली फिल्म आने वाली है हम हैं बनारस के भैया। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप हमारी फिल्म को बहुत इंजॉय करेंगे, और माँ पीताम्बरा प्रोडक्शंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, और मैं उन सभी कलाकारों का स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ इस माँ पीताम्बरा प्रोडक्शन में हमारी फिल्म में जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए और जिस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है इस फिल्म का नाम बताइए किस तरह के। मेरा नाम सुप्रिया पांडे और मुझे ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी पंकज जी ने दी है। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये फिल्म बहुत ही पारिवारिक है, और मैं सेकंड टाइम कुणाल जी के साथ काम करूँगी। इससे पहले मैंने एक सीरियल किया था उनके साथ, और सबसे माइंड ब्लोइंग है कि ये मेरे गांव में शूट हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं इसमें एक बहन का रोल प्ले कर रही हूँ। नमस्कार, मैं साइना सिंह और मैं इस फिल्म में सेकेंड लीड हूँ पंकज जी के अपोजिट। और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कुणाल जी के साथ काम करूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा रोल इतना बेहतरीन है, जब मैंने सुना तो आई होप कि मैं उतना अच्छा करूं भी क्योंकि रोल बहुत ही बेहतरीन है, मूवी बहुत बेहतरीन है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी पंकज जी को, जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रोहित जी, सब बहुत बढ़िया है, टीम बहुत बढ़िया है, और मैं सबको कांग्रेच करना चाहती हूँ एंड थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैडम, भोजपुरी हीरो की बात करें तो कौन सा हीरो आपको सबसे अच्छा लगता है, किसके साथ काम करना ज़्यादा पसंद करती हो? पवन जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं वो कितने अच्छे सिंगर हैं, और भोजपुरी के सलमान खान है तो ऑब्वियसली काम करना चाहूँगी। खेसारी जी में कोई बुराई नहीं है मैंने कब बोला कि उनमें बुराई है, वो शाहरुख खान है। यस, तो शाहरुख खान के साथ भी काम करेंगे, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। निरहू जी, दिनेश लाल यादव, परफेक्ट एक्टर, परफेक्ट डांसर, वो छोटी छोटी चीज़ों में एकदम परफेक्शन ढूंढते हैं, तो ऑफ कोर्स आमिर खान तो वही है। चलिए मैडम, आपकी पहली पसंद कौन होता है भोजपुरी में? रवि किशन। ऐसा क्यों? वो कहते हैं ना, एक बिहारी में जो मर्दों वाली बात होती है उसमें है। क्या हुआ, यूपी बिहार का चोली और दामन का साथ होता है, शायद आप ये नहीं जानते। आप दोनों इस फिल्म में हो तो दोनों को लेकर कोई ऐसा सीन है क्या जिसमें झगड़ा करते हुए या कोई ऐसी सीन? अगर हम झगड़ा भी करेंगे तो प्यार से ही करेंगे। किस तरह का आमना सामना हुआ इस फिल्म आप दोनों का, कुछ कहानी बताएंगे? आई थिंक मेरी एंट्री इनसे पहले होती है। मैं जो सुशील जी हैं उनकी वाइफ रहती हूँ, बट हीरो की बहन रहती हूँ, और मेरा उसमें
जिसमें एक बेबी होता है, लड़की होती है और देन मेरी एंट्री होती है, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं एक बेटी की माँ बनूंगी उसमें। और मेरा रोल एक, मैं पंकज जी की वाइफ रहती हूँ, बट मैं रोल बता नहीं सकती, पूरा नहीं बता सकती। वैसे हम हमारी लड़ाई नहीं होती बहुत अच्छी है, हमारी लड़ाई नहीं होती, झगड़ा भी होता है फिल्मों में नहीं, वैसी नहीं है, पहुँचाई प्यार वाली है, ऐसे ऐसे प्यार वाली, लड़ाई झगड़े वाली नहीं। अच्छा, गाने कितने हैं आप लोगों के ऊपर? मेरे ऊपर तो एक गाने हैं, एक रोमांटिक, अभी तक तो वही है, और सेकंड का आई डोंट नो, शायद एक सैड सॉन्ग हो सकता है मे बी, पर क्लाइमेक्स दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी, बहुत अच्छी हमारी यूनिट है, उसके लिए थैंक यू सो मच पंकज जी और खासकर कुणाल जी को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, और हम लोग सब लोग बहुत मिल के अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार कोई वो होता है ना कि भोजपुरी में एक लॉबी में काम होते हैं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ये तो नहीं बोलते इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे, हाँ पर थोड़ा बेहतर ज़रूर करेंगे, पर लेकिन इसके लिए आप सबको हमारी फिल्म को जाके थिएटर से देखना होगा हमने कैसा किया। सो रिक्वेस्ट, हमें सपोर्ट कीजिए कि हम अच्छी फिल्म बनाएं और आप ऐसे ही मनोरंजन करते रहें। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये सब कहते हैं कि हम पारिवारिक फिल्में बनाएंगे, बट ये रियली में पारिवारिक फिल्म है, जो हमारी भोजपुरी की जो मिट्टी की खुशबू है, जो अलग तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, बट इसमें जो रियल खुशबू है वो दिखाई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग फिल्म देखें और सपोर्ट करें ताकि हम लोग भोजपुरी को थोड़ा आगे तो ले जाएँ। थैंक यू सो मच। बस आज बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, आकाश जी इस इंडस्ट्री में नए अवतरित हुए हैं और बहुत ही अच्छा अभिनेता है, उनके साथ इत्तफाकन मेरी दो फिल्में हुई हैं, एक तो उन्हीं के होम प्रोडक्शन की फिल्म है, कुणाल भैया बना रहे हैं, और एक रवि भूषण की फिल्म थी हमारी, तो ये दोनों फिल्म मैंने किया है, बड़े टैलेंटेड कलाकार हैं और उनको लेके फिल्म बननी चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकार आने चाहिए, और ख़ास करके हीरो जो है आज के डेट में क्राइसिस में है, इंडस्ट्री के हीरोज होने चाहिए ज़्यादातर, तो इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, ठीक है, और बस यही कहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कहूँगा ये कि वो फिल्म मेरे लिए बहुत प्रतीक्षित फिल्म है, अति प्रतीक्षित फिल्म है, जिसको बोल सकता हूँ डमरू है। डमरू इसलिए भी खास है मेरे लिए कि मेरे अभिनय करियर में जो परिवर्तन हुआ है मेहंदी लगा के रखना के बाद, उसमें एक और मजबूत कड़ी है ये। मैं पॉजिटिव रोल किया, कॉमेडी किया, अब ये एक देवत्व वाला रोल जिसमें देवता ही सीधा बना दिया गया, तो मैं इस रोल को लेकर पजेसिव हूँ, और ये कहानी बड़े दिल को छूने वाली कहानी है, और ख़ास करके बिहार की जो लोक कथा है उसमें ये शामिल है, विद्यापति और भगवान शंकर की कहानी है ये, तो उसको नए परिवेश में, आज के आधुनिक परिवेश में इंटरटेनमेंट के साथ पेश किया गया है, जो हर लोगों के जन जन के मन में ये कहानी समाहित है। मुझे लगता है कि ये फिल्म जितनी अच्छी बनी है उतना ही अच्छा है, इसका भविष्य भी होने जा रहा है, बस यही कह सकता हूँ, इसलिए बहुत उत्साहित हूँ मैं। होली के लिए शुभकामनाएं यही दूंगा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जहां लोग रंगों से सराबोर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर रंगों से सराबोर हों, हम भी अपने बचपन में रंगों से बहुत सराबोर होते थे, लेकिन अपने रंगों के चक्कर में दूसरों का जीवन बदरंग ना करें, मतलब कहने का ये है कि होली ऐसी खेलें जिससे लोगों को हर्ट नहीं हो, मतलब रंगों में ऐसा कुछ केमिकल मिश्रण ना करें, किसी जानवर पे खास करके जो लोग रंग डालते हैं, खास के डॉग्स पे, वो कबूतर पे, किसी चिड़िया पे, उनको आप प्लीज़ इससे बचा के रखें, क्योंकि हम इंसान तो अपने रंग को धो सकते हैं लेकिन जानवर के स्किन को ये रंग बहुत तकलीफ़ देता है, उसको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती है और जानवर मर जाता है, तो किसी के मौत का कारण न बने, अपना रंग खेलें, अपने उन्माद में रहें, लेकिन जानवरों की सुरक्षा को करते हुए, देखते हुए, क्योंकि वो बेजुबान बोल नहीं पाता है, हम तो बोल लेते हैं और अपनी खुशियां जाहिर कर लेते हैं, लेकिन वो अपना गम भी जाहिर नहीं कर पाता है, खुद में तड़पते रह जाता है, तो बद्दुआ ना ले ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़, वो भी है, वो भी एक जीव है, उसमें भी एक जीवन बसता है, बस यही कहूँगा, होली खेलें, मज़े लें, लोगों को खुश रखें, और सबसे ज़्यादा स्पेशली मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि जानवरों को आप तकलीफ़ ना दें। थैंक यू, थैंक यू। रोल रोल रोल।
रियल तो नहीं है। जी जी, आकाश जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था तेरे जैसा यार कहा, और इज़ अ वेरी गुड एक्टर और बहुत गुड ह्यूमन बींग कहूँगा, क्योंकि उसी वक्त मेरे पापा की डेथ हुई थी और वो जिस तरह से आके मुझे गले लगे थे मुझे आज तक याद है, और मैं यही कहूँगा कि उनको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत प्यार, उनकी ये फिल्म साथ निभैया सजना हमारा बहुत बड़ी हिट हो और वो खूब नाम कमाए और इसका सिक्वल भी बने। सर मेरी अभी आने वाली फिल्म है डमरू, जिसका ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, और उस फिल्म का मैं विलेन हूँ, और मेरे फिल्म का और उसमें मैं ज़मीन का सौदा करता हूँ, और बहुत ही अद्भुत कहानी है, कहूँगा कि अब तक की भोजपुरी में मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोरी है और मेरा बेस्ट ऑफ बेस्ट रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है उसमें, तो मैं चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ ये फिल्म देखिएगा। इसके बाद लोहा पहलवान है, सौगंध है, 2 तारीख को रिलीज़ हो रही है धीरज जी के साथ, इसके बाद दुल्हन गंगा पार की है, उसके बाद नागदेव है, और राजा जानी आ रही एक फिल्म में उसमें मेन विलन हूँ, इसके अलावा आवारा बलम है, और मेरी अभी अभी एक फिल्म क्रिकेट हिंदी फिल्म है जिसकी डबिंग करके मैं आया हूँ, इसलिए लेट हो गया मैं, तो ये फिल्म आई और एक ये बिहार के लिए एक बड़ी बड़ी कमाल की फिल्म बनी है, बेसिकली इसे बेस्ड ऑन बिहार क्रिकेट, तो प्लीज़ आप सब ये सब फिल्म देखें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छे से होली खेलें, एक दूसरे से मिलनसार का दूसरा नाम है होली, और मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अच्छे से होली खेलें और आर्टिफिशियल कलर से दूर रहे, एक्चुअली मुझे आर्टिफिशियल कलर से थोड़ी नफरत है, तो प्लीज़ आप सब भी आर्टिफिशियल कलर से दूर रहें और अबीर और गुलाल से खूब होली खेलें। थैंक यू देवजी। आपके पीछे नाम है साथ निभैया सजनवा हमार। साथ में भैया सजनवा हमार फिल्म की मुहूर्त है आज, और भोजपुरी के महानायक के बेटे आकाश जी की फिल्म है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ इसके पहले वाली फिल्म में भी 2-3 दिन काम किया, और बाद में डेट के नहीं होने के वजह से उस फिल्म से मैं वंचित रह गया हूँ, और इस फिल्म में भी मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा अगर मुझे रखते हैं तो छोटा रोल दें। एक फिल्म आपकी बड़ी बहुचर्चित है बिल्लू उस्ताद, जिसमें आप उस्ताद बने हैं बाकायदा कुश्ती का, मैं अक्सर पूछता था कुश्ती लड़ेंगे, क्या उसके बाद आपने फिल्म करना डिसाइड किया? नहीं, बिल्लू उस्ताद जो फिल्म है यह फिल्म हिंदी फिल्म है, और इसमें एक बच्चे के ऊपर आधारित कहानी है, उसमें अनाथ बच्चे जो होते हैं अनाथ आश्रम में बच्चे आते हैं, और उनके साथ किस किस तरह की घटनाएं घटती है, क्या क्या होता है उनके साथ, इस पर आधारित फिल्म है बिल्लू उस्ताद। सो 3 मार्च को ये फिल्म आ रही है, आप लोग बिल्लू उस्ताद जरूर देखिए। थैंक यू के जी, होली की एक शुभकामना जी। आप सभी चैनल के दर्शकों को के गोस्वामी की तरफ से नमस्कार प्रणाम। होली रंगारंग कार्यक्रम, होली का एक अलग ही मज़ा है, होली का एक अलग ही इंजॉय है, होली अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, माँ बहनों के साथ, पिता के साथ, सबके साथ खेला जा सकता है, तो होली ज़रूर खेलिए, खूब रंग उड़ाइए, खूब गुलाल उड़ाइए, खूब कीचड़ और धूल मिट्टी सब उड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके किसी भी एक्टिविटी से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, इसलिए होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, होली ज़रूर खेलिए, लेकिन सबको बचाते हुए, सबको संभालते हुए, हैप्पी होली। सबसे पहले हम अपना भोजपुरी दर्शक लोगों के गोड़ छू के प्रणाम करता नहीं, हमें धनंजय मिश्रा, और जिसे ना आप देखा था नहीं कि आज मुहूर्त बटे एगो फिल्म बटे जोना का टाइटल बटे साथ निभैया सजनवा हमार, रुआ देखब टाइटल ही भोजपुरी बटे, ठेठ भोजपुरी, खाँटी भोजपुरी, तो एमा कौनो कहीं बॉलीवुड और साउथ इंडिया या और हॉलीवुड के कहीं तड़का मिली नहीं, आपके एकदम प्योर फोक गांवटी चीज़, घर गांव का चीज़, अपन खास खाँटी माटी का जो चीज़ बटे, कहानी में भी गाना में भी जैसे हमने के सुना तनी जा, कहानी भी सुना तनी जा, बहुत बेहतरीन बटे, लव स्टोरी बटे, और एकदम घर का चीज़ जो अपन घर में घटेला घटना वैसन वैसन स्क्रीन प्ले बटे, और एक विशेष बात हम बताए रहे कि एक जो स्टोरी स्क्रीन प्ले
पहले डायलॉग जो लिखले बटे कपिल मुनि पंकज जी हमनी का जब बहुत छोट छोट रहले जा तब वो गाना लिखत रहे और बहुत बेहतरीन राइटर हुए और आज उनका कलम से जब कुछ चीज़ निकली तो रुआ समझ सकता नहीं कि गावटी चीज़ निकली खाटी चीज़। सर कितने गाने होंगे इस फिल्म में? फिल्म में 9 गाना बटे, आइटम वाइटम कुछ नहीं थे 9 गाना है और एगो अलग तरीका का ऐसा घटना घटता कि जो एगो कैरेक्टर पैदा होता और वो कैरेक्टर के लेके भी बहुत बेहतरीन कुछ चीज़ें ताना बाना जो उनकर बुनल गई बटे बहुत बेहतरीन हुई और हमके विश्वास बटे। बाकी तो रुआ सब सामने जब आई तो रुआ देखते करें। इसके अलावा धनंजय जी आपको डॉक्टर की उपाधि भी मिली है, सुना है, क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया। और जी कल 19 तारीख को थामे विद्यापीठ के कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय ने मुझे मेरे छोटे से योगदान को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि मुझे सौंपा। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी जनता का, मेरे दर्शकों का, मेरे श्रोताओं का जिन्होंने अनवरत 25 सालों से मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया जिसके वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं और ऐसी उपाधि मिली है जो मेरे जीवन में बहुत अविस्मरणीय है, अतुल्य है, अद्भुत है। सर संजय जी खेसारी के बड़े ही करीबी माने जाते हैं आप, कल उनकी बच्ची का मुंडन भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये जीवन का रस्म है, मुंडन का एक रस्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो पहली बार उसका बाल काटा जाता है और ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोगों की तरफ तो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा भी होता है कि उसको जितना शादियों में खर्च किया जाता है, जितना तामझाम शादियों में रखा जाता है, उतने मुंडन में भी रखा जाता है, उपनयन संस्कार भी होता है उसमें भी ऐसे ही खर्च करते हैं लोग, ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं बच्चे के साथ, मेरे भतीजे के साथ और खेसारी जी के नाम को जितना खेसारी जी ने अपने पिताजी के नाम को रोशन किया है उससे ज़्यादा खेसारी जी के नाम को रोशन करेगा मेरा भतीजा। खेसारी जी की फिल्मों में आप संगीत दे पाते हैं, कैसी होती है उनके साथ आपकी? बहुत मेहनत करना पड़ता है सर खेसारी जी के साथ, क्योंकि जो आदमी बचपन से स्टेज प्रोग्राम किया हो, संघर्ष किया हो और गांव-गांव घूम-घूम के जो वहां की मिट्टी का संगीत छुआ हो, जिसने उस संगीत को जिया हो, उसके साथ आप जब फिल्म करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं पर्टिकुलरली बहुत मेहनत करता हूं और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा भी आता है। जब हम मेहनत करते हैं ना, जब हमको कहीं कुछ कहीं टफ कॉम्पिटिशन मिलता है ना, हमको जब एकदम ऐसा चैलेंज मिल जाता है कि आपको ये करना है और उसमें हमको और पिसना पड़ता है, मज़ा आता है काम करने का और जब जब मिलती रहती है ना तो काम करने का एक अलग ही अंदाज। एक और सवाल खेसारी के ऊपर, खेसारी की 2018 की हिट फिल्में कौन कौन सी होंगी, आपका क्या तजुर्बा है? सर मैं तो ये मानता हूं कि सिर्फ खेसारी जी की नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी फिल्में भोजपुरी की 2018 में रिलीज़ होंगी वो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सारी हिट हों, सबका रोजी रोटी चले, हमारी संस्कृति फले फूले, हमारा कल्चर हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध हो, हमारी भाषा को लोग समझें। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भाषा को, जो अभी भाषा नहीं है सिर्फ सरकारी नज़रों में, कागजी नज़रों में वो बोली मानी जाती है, उसको भाषा का दर्जा मिले ताकि हम भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें साहित्यिक रूप से, संगीत के रूप से। पूरी टीम को अपने दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं कि ये फिल्म जिस तरह से आज मुहूर्त हो रही है उसी तरह से ये फिल्म सक्सेस हो, बने और अच्छी बने और लोगों को इसको देखने में मज़ा आए। मैं इस फिल्म में कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो एज अ गेस्ट, चूँकि मुहूर्त हो रहा है, कुणाल जी हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, बहुत अच्छे बड़े स्टार हैं इस इंडस्ट्री के, चूँकि हम इस इंडस्ट्री से
जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, तो हम उनको शुभकामनाएँ देने आए हैं और मेरी यही शुभकामनाएँ हैं कि जिस तरह से उनके लड़के इस फिल्म में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी और लोगों को इसको देखने में मज़ा आएगा। और मैं लोगों से यही निवेदन करूँगा कि ये फिल्म को ज़रूर जाके आप जब ये बन जाए तो देखें। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त मैं सीरियल कर रहा हूँ, एक क्राइम अलर्ट आता है दंगल पे, और दूसरा एक नया शो हमारा शुरू हुआ है इस रात की सुबह नहीं, वो भी दंगल पे है, 10 बजे आता है। उसके अलावा कुछ भोजपुरी फिल्में चल रही है, मेरी एक फिल्म अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है बंगाली में। हम हर लैंग्वेज में फिल्में करते हैं और कोशिश ये रहती है कि सब्जेक्ट अच्छा हो तो लैंग्वेज बाहर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में फिल्में बनाई जा सकती है। भोजपुरी में कुछ सब्जेक्ट्स हमने सुन रखी है, कुछ पे गाने पे काम चल रहे हैं और वो डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोगों को उसके बारे में सुनने को मिलेगा। होली आ रही है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, होली के लिए तो मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को आप लोगों के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं होली की देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि होली जो है आप लोग कृपया जो है सेफ खेलें, अच्छे से खेलें और उसका आनंद लेके खेलें। धन्यवाद, थैंक यू। बारे में जिस फिल्म का पहले तो नाम बता दीजिए। नाम बता। मेरा नाम मेहनाज श्रॉफ है। इस फिल्म के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। पंडिताइन बनी हूँ, काफ़ी फिल्मों में ठकुराइन बनी हूँ लेकिन पहली बार इसमें पंडिताइन बनी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सजना साथ में भैया मतलब कुछ अलग हट कर है और लेकिन अपनी भोजपुरी मिट्टी से जुड़ी हुई है। पंडित जी कौन बने? कुणाल जी। एक्साइटेड हूँ, अच्छा लग रहा है मतलब। पटेल, इस फिल्म को सजना साथ निभैया, इस फिल्म को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी और जो जो इसमें काम कर रहे हैं सबको बहुत बहुत कंग्रेच करती हूँ। और जहाँ तक कहा गया है कि ये पारिवारिक फिल्म है तो मैं तो यही कहूँगी कि पारिवारिक फिल्म कौन नहीं देखना चाहेगा, और ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है हमारे समाज को, तो बहुत बहुत बधाई इस फिल्म। किस तरह के कैरेक्टर? अभी तक मैं कन्फर्म नहीं उसमें। ओके, चलेगा। मुझे संजय भूषण पटियाला जी यहाँ इनवाइट किए हैं और मैं इस पिक्चर के मतलब बधाई देने के लिए आई हूँ। हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितने एक्टर हैं, ऑल टीम, सबको मैं बधाई देती हूँ। अल्लाह करे ये पिक्चर अच्छे से कंप्लीट हो और अच्छे से रिलीज़ हो। और संजय भूषण जी को भी मैं बधाई देना चाह रही हूँ कि उन्होंने, और उनको थैंकफुल बोलना चाह रही हूँ जो उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ आके, अच्छा लग रहा है। थैंक यू टू ऑल। हम अजय जनवी और ये फिल्म जो नाव तैयार हुआ सभी के बीच में या पूरा भोजपुरिया श्रोता के बीच में, एक शुद्ध पारिवारिक और मनोरंजक फिल्म जो ना के माध्यम से एक पारिवारिक फिल्म जाए जो ना के परिवार का हर सदस्य देखे, वही के देखते हुए एगो गीत हम जो उनकी मुख्य गीत बा टाइटल सॉन्ग मगोले बणी साथ निभैया सजनवा हमार। जब तक गंगा जमुना में बहत रहे जलधार, सजनवा साथ निभैया हमार, सजनवा साथ निभैया हमार। जब तक गंगा जमुना में बहत रहे जलधार, सजनवा साथ निभैया हमार, सजनवा साथ निभैया हमार। धन्यवाद। सर, होली अरे कोई गाना होली पे भी लिखा है? होली चूंकि हमनी का भोजपुरिया ही जा जोन भी होली हमनी के गाइल जा कुछ गांव के देख के हमारे एक होली आई अभी टी सीरीज से जो ना कि एक लाइन जो ना कम सुना दे तनी और हमारी तमाम भोजपुरिया श्रोता के बीच में ये हमारे MP3 जा चुकल बा जो ना के बोलबा गांव पर आधारित।
सम्मत पर धनवा के खेत में यसो फुकाई ये भाई, सम्मत पर धनवा के खेत में यसो फुकाई ये भाई। चाचा पी है भांग ठंडई, अब फगुआ खूब गवाई ये भाई। तसम्मत पर धनवा के खेत में यसो फुकाई ये भाई। ये गीत रोगा सभी के बीच में गई बा जोन की ये एगो मुद्दा पर आधारित बा। गांव गांव में जीवना के सम्मत के कहू जनबे न करेला। आज हमने के भोजपुरी है श्रोता जे भी पूरा भोजपुरी जगत में आज के युवा जे की सम्मत के भुला गई बा, जोना के हमने के फगुआ के दिन एक दिन पहले जरावल जला और नया साल मनावल जला, वही के देख के हम सम्मत शब्द का प्रयोग के ले बनी। हम होली के पूरा भोजपुरी वासी के पूरा देश के हर श्रोता के शुभकामना देता नहीं कि रोज सब होली बढ़िया से मनाई और खूब मस्ती करी होली में। धन्यवाद। साथ निभैया सजनवा हमार फिल्म का मुहूर्त है आज, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पंकज जी को, रोहित जी को प्रोड्यूसर हमारे, और कुणाल सिंह जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आकाश जी का जैसे कैरियर स्टार्ट हुआ है मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत मेहनती हैं और मैंने काफ़ी फिल्में जो मैंने गाने किए हैं आकाश जी के साथ में, तो सेट पर जाओ तो सुनने में भी आता था कि बहुत मेहनत करते हैं। एक्शन हो, फाइट, डांस हो, वो मेहनत से नहीं कतराते, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का हक है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ। आकाश जी के साथ कोई आपका आमना सामना हुआ है? अरे बहुत, डांस में तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक गाना ऐसा हो जिसमें मैं उनके साथ डांस करूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे डांस करते हैं। जैसे हम अवार्ड नाइट हो या कुछ भी, हम उसमें रिहर्सल करते हैं तो मैं देखती हूं उनको काफ़ी, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक गाना उनके साथ करूं। आई होप कि इस फिल्म में ही हो जाए कि हम लोग साथ में गाना करें। कुणाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास, सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए दिल से इज्जत है और वो दिल में हैं, जिसमें कानू जी हैं, कुणाल जी हैं, और आज अगर मैं मुहूर्त में आई हूँ तो सिर्फ कुणाल जी की वजह से आई हूँ। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देने आई हूँ उनको, और ऐसे ही फिल्में बनती रहे एक के बाद एक। मेरी उनको भी सब पितामह कह रहे हैं, आप क्या कहती हैं? जैसा आप लोगों ने भी सुना कि अगर उन्होंने खुद बोला कि डायलॉग बोलने बोले तो उन्होंने खुद बोला ना कि जूनियर हो जाते हैं, मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपना एक नाम बनाया है और उनकी जगह इस इंडस्ट्री में ना कोई लिया है और ना ही कोई ले सकता है। मैंने कहा ना कि उनके लिए कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, वो हमारी सोच से बहुत ऊपर है, और उन्होंने जो नाम बनाया ना, जो इज्जत बनाई है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ये कर पाएगा। होली आ रहा है, सीमा जी कितनी तैयारी कर चुकी हैं आप? मैं तो बहुत तैयारी की हूँ इस बार, क्योंकि मैं इस बार होली मना रही हूँ अपने जनकवासियों के साथ जनकपुर धाम में, और तिरहुतिया गाथी में हम लोगों का प्रोग्राम है जनकपुर में 1 मार्च को, और ये होली मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत यादगार होगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं तो जमकर होली खेलने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मैंने होली नहीं खेला, और कलर बस ऐसे करके टिक्का लगा लेते हैं हम लोग, तो इस बार तो मैं खुद भी रंगूंगी और अपने दर्शकों को और अपने ऑडियंस को पूरे कलर में रंग बिरंगे करने वाली हूँ। कानू जी काफी तारीफ कर रहे हैं आपकी, सीमा जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो इस सबसे पहले रोहित जी, पंकज जी को ढेर सारे शुभकामनाएं, और मैं बहुत खुश हूँ कि कुणाल जी, ऊपर से आकाश जी दोनों, कुणाल जी को मैंने बहुत नचाया बहुत पहले, और आज उनको, उनके बेटों को नचाऊंगा आकाश जी को, बहुत खुश हूँ, और सारी पूरा यूनिट को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई। सीमा तारीफ तो करेगी, क्योंकि बेटियाँ हमेशा माँ बाप की तारीफ करती है। सीमा तो मेरी बेटी है पहले सर, अभी भी है, आगे भी रहेगी। मैं चाहूँगा हर जन्म में सीमा जैसी बेटी पैदा हो। सर वैसे तो आपने हर जगह सीमा जी को नचाया, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सीमा जी ने आपको नचाया? कभी नहीं, इस जन्म में तो हो भी नहीं सकता है। मैं पहले खुद तो नाच लूं। हाँ, नचा सकती वो कब, जब मैं इसके शादी के लिए लड़का ढूंढूंगा तब बोलेगी इससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, इससे नहीं, तब शायद मैं नाच जाऊं। सर शादी की बात आई तो कितना तैयारी चल रही है और किस तरह के लड़के? बिल्कुल तैयारी नहीं चल रही। हर माँ बाप चाहता लड़की का शादी दे देना, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी उसकी इच्छा है और कुछ दिन काम करे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यार करते हैं, हमारा ऑडियंस बहुत लाइक करते हैं, तो हम भी चाहेंगे, कलाकार है, कलाकार को कभी कला रोकना नहीं चाहिए। वो जब तक, जिस दिन बोलेगी अभी
आप कर दीजिए बस उस दिन हम कर देंगे, तैयारी में पूरे हैं। होली आ रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? होली के लिए ढेर सारे बधाइयां सभी को। और होली ऐसा त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में, उस दिन तो बच्चे से बूढ़े तक इंजॉयमेंट करता। मैं हर साल होली में इलाहाबाद जाता था, लेकिन इस साल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि 1 तारीख से मेरा बॉर्डर का शूटिंग है रायपुर। बहुत सालों के बाद मेरा होली छूटेगा इस साल। ओके सर, थैंक यू। और हमारे सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। एक लाइन गाना भी गा दीजिए। सारा रा 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 सारा रा रा सारा रा रा। थैंक यू। इस फिल्म का सह निर्माता हूँ। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस फिल्म को बनाने का, वो भोजपुरी संस्कृति जो खो चुकी है उसको पुनः जीवित करने का हमारा उद्देश्य है, और आशा है कि हम अपने इस उद्देश्य में बिल्कुल सफल होंगे। मैं SRDK महाराष्ट्र से ही हूँ, लेकिन मैं भोजपुरी पिक्चर में ये जो आज का जो थीम है ये पिक्चर का सजनवा साथ निभाइए मैम, ये इतना बढ़िया थीम है ताकि ये थीम को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। और पूरी आशा है कि ये पिक्चर पूरे वर्ल्ड में प्रमोशन हो जाए इसका। महाराष्ट्र होते हुए भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं क्या? क्योंकि जब मुझे लगा, आजकल हम भोजपुरी पिक्चर देखते हैं तो सिर्फ देखने के लिए अच्छे लगते हैं, घर पे जाने तक भूल जाते हैं, लेकिन ये भोजपुरी पिक्चर जो मैं देखने जा रहा हूँ, ये ऐसा लगता है कि जो एक ज़माने में भोजपुरी का नाम था, जो आज भी हिंदी पिक्चर में उस भाषा को यूज़ करते हैं लेकिन डायलॉग के हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन ये पिक्चर जो है परिवार के साथ में कभी ना भूले ये ऐसा पिक्चर है, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। Present the best regional languages in our society with the good morals. That's all. सुशील चौहान जी, इस माँ पीताम्बरा प्रोडक्शन के नीचे बनने वाली मूवी ये जो है ये पूरी भोजपुरी संस्कृति को जागृत कर देगी दोबारा से। जैसे कि कहते हैं कि भोजपुरी संस्कृति जो है गायब हो चुकी थी मूवीज से, जैसे भाई साहब ने बोला अभी, उसके बिहाव पे ये पूरी भोजपुरी की संस्कृति को पूर्णतः जागृत कर देगी। ये ऐसी पिक्चर बन रही है और ये पूरे वर्ल्ड में चलेगी। ये नमस्कार, बहुत खुशी की बात है कि आज फिल्म साथ निभाइए सजनवा हमार के मुहूर्त पर हम लोग पहुँचे, बड़ा अच्छा लगा। मैं अपने भाई प्यारे दोस्त आकाश को बधाई देता हूँ कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो और माता रानी उनको आगे बढ़ाए, स्टार बनाए, और साथ साथ कुणाल सर जी को भी देता हूँ और पूरी टीम को देता हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ आए हम लोग, बहुत ही बढ़िया लगा। हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर दिनेश केसवानी जी हैं, जिनकी फिल्म मैंने घात किया अभी तो रिलीज पे है, बाकी प्रहार हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए घात एक ऐसी फिल्म है, पारिवारिक है, एक्शन है, इमोशन है, सब कुछ है, एंटरटेनमेंट है पूरी फिल्म। रिलीज हो रही है हमारी ये फिल्म होली के सेकेंड वीक में जी। सबसे पहले हम दर्शक रुआ सब है, रुआ मीडिया सब श्रोता जितने भी लोग देखा था ओकरे सत्येंद्र सिंह के नमस्कार बा। हम आ रहल बानी होली पर फिल्म लेके, अपन घात रुआ सब आशीर्वाद प्यार दी, और इतना अच्छा रुआ आशीर्वाद और प्यार हमरा के दी कि हमने के फिल्म अच्छा सुपर डुपर हिट हो। बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ कुणाल जी को, जो कि मेरे सह मित्र है, आकाश जी को जो इतनी अच्छी पिक्चर करने जा रहे हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि आगे फ्यूचर में और अच्छी अच्छी पिक्चर भी करें। जिस तरह से एक्चुअली भोजपुरी जगत जिसे हम अभी टॉलीवुड कहते हैं, आज के टाइम पे बहुत से हम चेंजेस देख रहे हैं। एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है और मुहूर्त भी अभी अच्छे खासे होने लगे हैं जैसे पिक्चर्स के लिए। और जैसे कि घात का तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, प्लस अभी मेरी प्रहार मूवी आ रही है जिसमें मैं खुद को लॉन्च कर रहा हूँ एज अ लीड एक्टर, जिसमें मेरे साथ गौरव जा है, सत्येंद्र है, रवि जी है, उसको पप्पू कंदा जी प्रोड्यूस अपना डायरेक्ट कर रहे हैं। ये पहली बात तो ये पिक्चर के जितने भी लोग हैं वो पूरी यूनिट को मुबारक देना चाहूँगा, और आकाश भैया को ऑल द बेस्ट कहूँगा ये पिक्चर के लिए। होप ये पिक्चर अच्छी बॉक्स ऑफिस में अच्छा धमाल करे, तो ऑल द बेस्ट पूरी यूनिट को ये पिक्चर के लिए।
मेरी भोजपुरी फिल्म है, भोजपुरी पहली पिक्चर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है घात, और घात में मैं एज अ सेकेंड विलन हूँ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ वो पिक्चर के लिए, और मैं अपने आप को एक नए रोल में देखने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी सेकेंड भोजपुरी पिक्चर भी मैं बहुत जल्दी शूट करने वाला हूँ जिसका नाम है प्रार, तो उसके लिए भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और होप अच्छा करूँ मैं वो पिक्चर में। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.